वाह क्या पिक्चर आई है यार, वाह मोमन, ब्लैक कलर तुम पे बहुत सूट करता है, जल्दी से अपलोड करती हूँ एक क्लोजअप शॉट। यार कितने पिक्चर्स लोगी अपने, क्या हो गया? मोबाइल दे मेरा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज बताने वाला नहीं है, सरप्राइज दिखाने वाला है। क्या हो गया सारे माँ, आपकी ऐसी आदत है सस्पेंस पैदा करने की। अरे यार एक मिनट इधर आओ ना, मैं तुम्हारी आंखों पे हाथ रखने लगा हूं। तुम देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और डरना नहीं, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, देखो 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 देख के देख के, सरप्राइज है बहुत अच्छा। अरे सब बता देता हूँ, एक मिनट, 1 2 3 टाटा। ये किसी गाड़ी है? अपनी बेगम को नई गाड़ी गिफ्ट करता हूँ। मुझे इसको खोले, मुझे बहुत सारी सेल्फी चली, मेरे मोबाइल से। ये लो मोबाइल और ये लीजिए, ये मैंने गाड़ी थी, खोल आप सेल्फीज लीजिए, मैं जरा अम्मी को बता कर आ। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में, रिस्क में तरक्की दे, मैं बहुत खुश हूँ। सब आपकी दुआओं का नतीजा है। अल्लाह तुम्हें और भी नवाजेगा, मैं तो हर नमाज में बल्कि तहज्जुद की खास नमाज में भी तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। आपकी दुआओं की तो हमेशा जरूरत रहेगी ना मुझे। अम्मी ये देखिए कितनी अच्छी पिक्चर्स ली मैंने गाड़ी के साथ, बहुत अच्छी है। वैसे एक बात तो आप लोगों को माननी पड़ेगी, घर के कामों के साथ साथ मेरी फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी। बेटा सारिम थका हारा घर आया, उसके लिए कुछ खाने पीने को लेकर आओ। ले आऊंगी खाने के लिए भी अम्मी, पहले पिक्चर्स तो अपलोड करने दे मुझे, लोगों को पता चलना चाहिए कि हमने नई गाड़ी ली है। मोमल बेटा इसे कुछ समझाओ तो। आप बेफिक्र रहिए मैं बात करता हूँ। हो गई फ्री, सो गया? हाँ भाई सो गया, अल्लाह अल्लाह करके। अदन ना बहुत तंग करता है, स्टोरीज सुने बगैर सोता ही नहीं है। चलो अब तो सो गया ना, तुम भी रेस्ट करो आराम से। कौन सा रेस्ट, कहाँ का रेस्ट, अभी तो मुझे सारी पिक्चर्स अपलोड करनी है फेसबुक पे। भाई पता तो चले सबको कि हमने ब्रांड न्यू कार ली है, देखिएगा एक स्टेटस अपलोड करने की देर है, सारे इतने जरे से होंगे ना कि बस। चलो भाई मैं तो लगा हूं सोने, तुम अब सारी रात लोगों को जलाती रहो। गुड नाइट। गाड़ी तो बड़ी कमाल, इस पे तो किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। अल्लाह करते अपना कर्म, भेज दे इस जैसी एक ब्रांड न्यू गाड़ी, एक बार तो छप्पर फाड़ कर दे, फिर मैं भी फेसबुक पे डालूं तस्वीर, सबको बताऊं जैसे ये मुमल सारिम सारे दोस्तों को टैग करके खून जलाती है ना, मैं भी डालूं। मोमल, मोमल जी। अम्मी अरे बेटा जरा जाके देखो ना शायान क्यों रो रहा है। अरे अभी तो सुला के आई थी इसे, दोबारा जाग गया। अच्छा जाओ पहले जाके उसको सुला कर आओ। अब नहीं रो रहा, लगता दोबारा सो गया। अच्छा अम्मी ये देखें मेरी पोस्ट पे कितने सारे कमेंट्स आए ना, लेकिन आपको पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड सनम ने एक लाइक तक नहीं किया। अम्मी देखा आपने कितने हासिद है लोग, दूसरों की कामयाबी से जलते रहता है।
तो बेटा फेसबुक पर किसी को बताने या दिखाने की जरूरत क्या है? अम्मी आप भी ना बहुत सादा हैं। क्यों जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है दिखाने की। ये पता चलना चाहिए ना कौन हमारी खुशी में खुश होता है और कौन जेलस होता है। मामा तो हमेशा कहती है कि अगर अपने रिश्तेदारों पे नजर रखनी हो ना तो बस फेसबुक पे बैठ जाओ। मेरी नजर में तो ये सब फजूल बातें हैं। मेरी नजर देखेंगी ना तब समझ आएगा आपको। गली की बात देख ली, कल मैंने न्यूज जीप की पोस्ट लगाई तो अम्मी आधे रिश्तेदारों को तो सांप ही सूंघ गया। मैं तो कहती हूँ जो जलते हैं ना अम्मी उनको मजीद जलाना चाहिए। मेरी मानो ना तो बेटा इस दिखावे से बचो। ये सब खुराफात है, हमें क्या पता किसकी नजर में क्या शर छुपा हुआ है। क्यों, जब अल्लाह हम पे अपना करम कर रहा है तो क्यों ना दिखाऊं सबको, क्यों ना ढंडोरा पीटूं उसके करम का। ये करम का नहीं दिखावे का ढंडोरा है, मगर तुम नहीं समझोगे। क्या बात, कहाँ की तैयारी? नया सूट पहना था तो सोचा कि थोड़ा तैयार भी हो जाऊं। बहुत अच्छी लग रही है, और ये सूट बहुत सूट कर रहा है तुम पर। क्यों सूट नहीं करेगा, आपको पता है कितना महंगा और ब्रांडेड सूट है ये। से पहले कि तुम इस सूट की और तारीफें शुरू करो मैं चेंज कर। अरे रुक जाओ रुक जाओ, भाई इस नए ड्रेस में हम दोनों के साथ एक सेल्फी तो होनी चाहिए। पूल में नहीं गिर जाना प्लीज, चल लेना। बस 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 ठीक है, अब मैं चेंज कर सकता हूँ। आप जाएं, मैं बस ये अपलोड करके आती हूँ। वैसे मोमल थकती नहीं हो तुम? बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए, अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी बीवी दी है आपको जो आपके तारीफी स्टेटस लगाती है। वरना आपकी फैमिली में देख लें आप जाकर, सारी बीवियाँ अपने शौहरों को रो रही हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत कदर करता हूँ तुम्हारी। वैसे आपके पूरे खानदान में ना सबसे बेस्ट हमारा कपल है, और ये पिक्चर मैं अपलोड करूँगी इस हार्ट के साथ। भाई लोगों को पता चलना चाहिए ना कितना प्यार है हमारे बीच में। खुदा के वास्ते लोगों को पता है हम दोनों में कितना प्यार है, हमने खानदान वालों की मर्जी के खिलाफ जाके शादी की थी, पूरी फैमिली को पता है। लेकिन मेरी फेसबुक फैमिली को तो नहीं पता ना। फेसबुक फैमिली ये कौन सी कैटेगरी है यार? सीख लें कुछ मुझसे, इसलिए कहती हूँ जाए अब चेंज करें, मैं बस ये अपलोड कर दूँ फिर आ रही हूँ। ठीक है आ जाना, मच्छर आ जाएंगे शाम में। मोमल, मोमल जल्दी से तैयार हो जाओ, हम डिनर करने के लिए बाहर जा रहे हैं। Really? लेकिन हम जाएंगे कहाँ? अरे तुम चलो तो सही, पता चल जाएगा। बताए ना, मैं उसी के हिसाब से तैयार होंगी ना, और फेसबुक पे चेक इन भी तो करना है मुझे। बताए यार, तुम ये बाद में कर लेना। Let me guess, हम मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट जा रहे हैं ना? है ना? आपको पता है सनम जब लास्ट टाइम वहाँ गई थी ना, उससे पिक्चर्स अपलोड की थी, मेरा इतना दिल चाह रहा था वहाँ जाने का। अब मैं फेसबुक पे लगाऊंगी ताकि लोगों को पता चले कि मेरे हस्बैंड को मेरा कितना ख्याल है और मेरे दिल की बात वो हमेशा जान जाते हैं। अच्छा तुम ये फेसबुक पे अपलोड करने के बाद बच्चों को भी तैयार कर दोगी ना? हाँ हाँ कर दूंगी। ठीक, बच्चों को रेडी कर लो, मैं मम्मी को बता कर आ रहा हूँ। और मोबाइल भी चार्ज पे लगाना है मैंने, खाने की पिक्चर्स भी तो लेनी है। देखने में इतना मजेदार लग रहा है, खाने में तो क्या ही बात होगी। हाय क्या किस्मत पाई है ना इस मोमल सालिम ने, इतना अच्छा शौहर मिल गया, हैंडसम शौहर, ब्रांड न्यू गाड़ी, ये नए नए महंगे कपड़े, खुद भी अच्छी, और ये आए दिन ये होटलों में महंगे महंगे खाने खाना, हम तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते खाने खाना। और इतने महंगे महंगे कपड़े पहनकर स्टाइल मार मार कर जो हम जैसों को दिल जलाती है ना, अल्लाह पूछे इससे। अल्लाह ताला को दिखावा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, सब पूरा लगता है अल्लाह ताला को दिखावा। जल रही हो ना तुम? फिलहाल मैं क्यों चलूंगी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि इसे उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो इतने महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते। अपनी खुशी शेयर कर रही है वो, तो उसकी खुशी में खुश होना सीखो तुम।
इससे बेहतर है अल्लाह ताला का घर बैठकर शुक्र अदा करे। लेकिन अगर ये शुक्र भी अदा करेगी ना तो फेसबुक पर स्टेटस लगाएगी फीलिंग ब्लेस्ड विद 99 अदर्स। बेटा जल्दी से नाश्ता दे दे, बहुत भूख लग रही है आज। आओ बैठो, मैंने नाश्ता बना दिया। क्या बात है, जबरदस्त। आपको किससे पता चला भाई कि मेरा आज फ्राइड एग खाने का दिल कर रहा है? माँ हूँ तुम्हारी, मुझे सब पता होता है कि मेरे बच्चे को इस वक्त किस चीज का खाने को दिल चाह रहा है। अरे ये मोमल नहीं उठी अभी तक? नहीं, वो रात को हम लोग लेट आए थे, उसके बाद अदन ने सोने में इतनी देर लगा दी, फिर बेचारी लेट सोई थी तो मैंने कहा अभी सुबह जल्दी ना ही। जाहिर है बच्चों को सुलाने में टाइम लग गया होगा, फिर फेसबुक पे बैठ गई होगी ये लोड करने के लिए कि आज उसने कौन सी महंगी डिश खाई है, बच्चों को कौन से फ्लोर पे लेके गई थी आइसक्रीम खिलाने के लिए, है ना ये सब कुछ। अम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं उसे, जब तक अपने पूरे दिन का हाल व अहवाल फेसबुक पे अपलोड ना करते उसे नींद ही नहीं आती। लेकिन शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम्हारी बीवी की वजह से आस पड़ोस मोहल्ले वाले खानदान वाले हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अभी अभी तुम्हारी चची का फोन आया था, उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई कि मैं उफ तक नहीं कर सकी। क्या कह दिया उन्होंने? ये पूछो क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने, कहने लगे कि तुम्हारी बहू का तो फेसबुक दूसरा घर, हर वक्त फेसबुक पे ही बैठी रहती है। अच्छा चले, आप टेंशन ना लें, मैं उससे बात करता हूँ। बेहतर यही है कि तुम उसे खुद समझा दो, मैं कुछ कहूंगी तो उसे बुरा लगेगा। चलो तुम नाश्ता करो। मोमल इसको प्लीज फोन को साइड पे रखो, मुझे एक बात करनी है। दो मिनट रुक जाए, जरा अपडेट्स फेसबुक की चेक करूं, उसके बाद। बात समझ क्यों नहीं आ रही? कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नजर में मेरी बात की? जब मैं कह रहा हूँ मुझे बात करनी है तो मेरी बात सुनो। क्या हो गया सारन, अंगारे क्यों चबा रखे हैं आपने? किसने भड़काया आपको सुबह सुबह? मुझे किसने भड़काया? नहीं है, आईना दिखाया है। ये जो तुम मिनट मिनट की खबरें फेसबुक पे लगाती हो ना, ये ठीक नहीं है बेटा। देखो मोहन, मैं साफ और सीधी बात करूंगी, मत करो ये सब कुछ। खानदान वाले हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि आपकी बहू शोख और नुमाइशी है। अरे अम्मी वो सब जलते हैं हमसे, मजाक बनाने और बातें बनाने के अलावा और उनका बस ही कहाँ चलता है। अल्लाह ने अगर हमें बहुत सारी चीजों से नवाजा है तो उसको सबके साथ शेयर करने में आखिर हर्जी क्या है? इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अल्लाह ने हम पर जो अपनी मेहरबानियां की हैं वो लोगों को दिखा रही हूँ। शुक्र गुजारी है यार, कोई बुरी बात नहीं है। शुक्र गुजारी और दिखावे में जमीन आसमान का फर्क है बेटा। और वैसे भी तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम क्या खाती हो, क्या पहनती हो, कहाँ जाती हो? ये तुम्हारी जाती जिंदगी है, सारी दुनिया को बताने और दिखाने से तुम्हें क्या मिलता है? सुकून मिलता है मुझे, बस सुकून मिलता है सब करके। मुझे अच्छा लगता है सबको दिखाना कि हम भी किसी से कम नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी चीजें दे रखी है। जिनके दिल और नजरें भरी हुई होती है ना, वो ऐसे शोर नहीं मचाते, खाली बर्तन ही शोर मचाते। देखो मोमल, अम्मी जो कुछ भी तुम्हें समझा कर गई है तुम्हारी बेहतरी के लिए, तो प्लीज अपना मूड ठीक करो, उठो चलो। आप मेरे कपड़े पैक कर दो, मुझे थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए निकलना। दोबारा सारे मम्मी, दो हफ्ते पहले ही तो आप कनाडा से आए थे। हाँ लेकिन क्या करूँ, काम है, वहाँ पे बिजनेस सेटअप लगाना है, मेरा जाना जरूरी है, तो प्लीज प्लीज अपना मूड ठीक करो और आओ।
सारे दिन फेसबुक पे गुजरता है इसका, शो ऑफ कहीं की। Happy anniversary. सारिम, आप इन जल्दी कैसे आ गए, मुझे बताया भी नहीं। अरे आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी तो मैंने सोचा आपको सरप्राइज दिया जाए। सारिम, आप और आपके सरप्राइजेस, मैं बहुत तंग हूँ इनसे। यार मोमल, अब सरप्राइजेस से भी कोई तंग आ सकता है, कमाल बात है। एनीवेज, तुम्हारे लिए एनिवर्सरी का गिफ्ट। सारिम, इट्स ब्यूटीफुल। काफी एक्सपेंसिव भी लग रहा है ये तो। ऑफ कोर्स, लेकिन तुम भी तो मेरे लिए अनमोल हो ना। और ये देखो, ये कैसा? बहुत खूबसूरत है सारे, है ना? इतना बड़ा घर, बहुत महंगा भी है। किसका है? हमारा है, और किसका? मेरा एक क्लाइंट है, उसका घर है ये। वो सेल आउट कर रहा था, उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा यार खरीदा तो जा सकता है लेकिन उससे पहले तुम्हारी भाभी से अप्रूव करवाना पड़ेगा, तो बस मैंने उससे पिक्चर्स व्हाट्सएप करवा ली। सारिम, आप ये डील अभी ही डन करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। ये घर बहुत अच्छा है लेकिन अब पुराना हो गया। कल हम दोनों जाकर डन करेंगे। अच्छा जल्दी से मुझे इसकी फोटोग्राफ सारी सेंड करें, आज तो मुझे फेसबुक पे बहुत कुछ मिल गया अपलोड करने के लिए। करें ना सेंड। मोमल, पहले डील डन तो होने दो ना, उसके बाद। हो गई ये डील डन, बस मैं कुछ नहीं सुन रही। सेंड करें। ये लो, कर लो खुद सेंड। सबको पता चलेगा आज के हमारा नया घर। तो मैं चेंज करके आता हूँ। कुछ करना तो पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना जरूरी है। नहीं, ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं चलो, मैं घर पे हूँ, मैं करता हूँ बाद में बात, ईमेल कर रहा हूँ। सारे, ये क्या बेटा, तुम तैयार ही नहीं हुए, वैसे के वैसे खड़े हो। अरे बेटा हम खाने पे लेट हो जाएंगे, रिदा का तुम्हें पता है ना, तुम्हारी छोटी बहन है। अम्मी, मैं इतने बुरे मसले में फंसा हुआ था, मेरे जहन से ही निकल गया। खैर मैं आधे घंटे में रेडी हो जाता हूँ और मोमल से कहता हूँ बच्चों को रेडी कर दे। मोमल तो कब से तैयार है, बच्चों को भी तैयार करके तस्वीरें खींच के फेसबुक पे लगा रही है। चलो तैयार हो जाओ। बिलाल, बिलाल, ये देखा है, मोमल ने नया घर खरीदा है, पिक्चर्स डाली हैं। हाँ देख लिया मैंने। ये जो लोग इतनी जल्दी जल्दी तरक्की करते हैं ना, ये सब हराम का माल होता। मोमल सारिम की कोई भी चीज देख के ना खुशी होती है ना मायूस। उसकी आदत होगी सबको बताना कि उसको औकात से ज्यादा मिल गया। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, अल्लाह ताला ऐसे हिदायत है, ये तो खुद ही असर लगवाती है अपनी खुशियों को। सारे सब इतना खुश है हमारे न्यू घर का सुन के, मेरी कुछ फ्रेंड्स ने तो कमेंट ही नहीं किया। एक मिनट, मेरे लॉयर का फोन आ रहा है। हेलो, जी जी शफीक साहब, क्या? माय गॉड, नहीं नहीं ये डील कैंसिल करें फौरन। हाँ हम ऐसे ऐसी मुसीबत में कैसे पड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें बचा लिया। जी 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 जी, फौरन कह दीजिए। थैंक यू भाई। क्या हुआ सारे, सब खैरियत है? शुक्र अल्लाह का यार, हम बच गए हैं, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे। वो जो घर है उसके कागजात मैंने वेरीफाई होने के लिए भिजवाए थे, पता चला है कि उनका तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है। सबके सामने तुमने हमारा तमाशा बना के रख दिया, इसीलिए मना करती थी कि खुद को मत इश्तेहाद बनाओ, मत चीजों की नुमाइश करो, अरे लोगों की नजरों में शर होता है। प्लीज कुछ करें, प्लीज मुझे सब फेक समझेंगे, प्लीज। यार
इतना बड़ा मसला नहीं है मोहम्मद, तुम काम करो ना, तुम एक एक, एक स्टेटस डाल दो कि तुम मजाक कर रही थी, बस खत्म हो जाएगी बात। इसी दिन के लिए मैं मना करती थी बेटा कि नमूद और नुमाइश में मत पड़ो, सब्र और शुक्र करो। ठीक कहती थी, इंसान की नजर में वाकई शर होता है। क्या हो गया बेटा, तुम तो मेरी बेटी हो, चलो बस खिदमत इंसान।